वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मोमेंट ऑफ अ फोर्स ये टॉपिक का 12th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है 300 न्यूटन फोर्स एज शोन इन फिगर लाइज इन एक्स वाई प्लेन, फाइंड द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट ओरिजिन ओ एंड अबाउट पॉइंट ए। देखो यहाँ पे ये डायग्राम दिया है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एक्सिस दिए हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और ये देखो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, देखो ये क्वाड्रेंट वन, ये क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री एंड क्वाड्रेंट फोर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है, पॉइंट बी से यहां से एक फोर्स पास हो रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 300 न्यूटन का। हमें काम करेंगे, ये फोर्स को हम कहेंगे फोर्स एफ। और ये फोर्स एफ जो कि 300 है और ये इंक्लाइन है बाय एन एंगल ऑफ 35 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो पॉइंट बी जो है वो यहाँ से देखो, यहाँ पे ये लेंथ है 100 mm का और ये लेंथ दिया है 20 mm का, ठीक है। और अब हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखा है फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है अबाउट ओरिजिन, ये पहला बीट है, एंड अबाउट पॉइंट ए ये दूसरा बीट है। तो चलो सॉल्व करेंगे, ओनली एंड ओनली मोमेंट फाइंड आउट करना है, कोई यहाँ पे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स या समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई या रिजल्टेंट वगैरह ऐसा कुछ भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ओनली मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो जाहिर सी बात है अगर हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर फोर्स का तो हम चेक करेंगे फोर्स हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है कि इंक्लाइन है। तो ये देखो ये जो फोर्स है ये ऐसा इंक्लाइन है, अगर ये इंक्लाइन है तो हम ये इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, इट मींस इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जब तक आप इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप जो है इसका मोमेंट फाइंड आउट कर नहीं सकते। तो ये देखो जब हम इसको रिजॉल्व करें तो इसका एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस यानी अलोंग हॉरिजॉन्टल, दैट इज हॉरिजॉन्टली एक कंपोनेंट उसका हॉरिजॉन्टली शो कर लेंगे और दूसरा कंपोनेंट ऐसा वर्टिकली शो कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब ये कंपोनेंट को क्या कहेंगे, तो जाहिर सी बात है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हम लिख लेंगे कॉस। तो ये हो जाएगा 300 कॉस ऑफ 35 डिग्री एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 300 साइन ऑफ 35 डिग्री। हॉरिजॉन्टली कॉस क्यों आया, क्योंकि हॉरिजॉन्टली एंगल दिया है 35 का, इसलिए हॉरिजॉन्टली कॉस एंड वर्टिकली साइन। अगर आपको इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करने में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो इसके पहले ऑलरेडी हमने हाउ टू रिजॉल्व इंक्लाइन फोर्सेस उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको अच्छे से वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही इंक्लाइन फोर्स है तो हमने उसको रिजॉल्व कर लिया, अब ये दो कंपोनेंट्स इसके हो गए और अब हम चलो वन बाय वन यहां पे फाइंड आउट करना स्टार्ट कर लेते हैं। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट ऐसा फोर्स होता है जो अप्लाई करने के बाद बॉडी या तो क्लॉकवाइज रोटेट करती है या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां मोमेंट फाइंड आउट करेंगे अबाउट ओरिजिन, तो हम यहां लिख लेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओरिजिन। तो हम यहां लिख लेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओरिजिन, तो हमने यहां लिखे एम एफ ओ यानी मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओरिजिन। और ये फोर्स एफ के दो कंपोनेंट्स है, एक है 300 कॉस 35 और 300 साइन 35। चलो देखते हैं दोनों का मोमेंट अबाउट ओरिजिन ये क्या होता है। लेकिन मोमेंट आपको यहां पे मोमेंट फाइंड आउट करने के पहले आपको मोमेंट का रूल यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। मोमेंट का रूल क्या है, मोमेंट का रूल ये है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। आपने मोमेंट जहां अप्लाई किया है वहां से आने जाने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आप ओ पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ओ पॉइंट से जो भी फोर्स पास होगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहां पे दो फोर्सेस है 300 कॉस एंड 300 साइन। अभी ये जो इंक्लाइन 300 है अभी हमें इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसके जो रिजॉल्व कंपोनेंट्स है हम उनको यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो इंक्लाइन वाला कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, इसको भूल जाओ। अब यहाँ पे ये एक फोर्स है और ये दूसरा फोर्स है और ये दोनों का मोमेंट हम अबाउट ओरिजिन लेंगे। लेकिन ये दोनों में चेक करो क्या कोई दोनों में से ओ से पास हो रहा है, अगर कोई ओ से पास हो रहा है तो उसका मोमेंट आपको नहीं लेना है, उसका मोमेंट हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो हम चेक करेंगे, तो देखो 300 cos 35 तो ये ऐसा जा रहा है, देखो इस तरह से उसका वे ऑफ एक्शन है, क्या ये ओ से पास हो रहा है, नहीं, इट मींस ये सेफ है, इट मींस ये मोमेंट के इक्वेशन में आएगा। उसके बाद 300 sin 35 ये उसका वे ऑफ एक्शन यहां से है, क्या वो ओ से पास हो रहा है, नहीं, इसका मतलब ये भी सेफ है, ये भी मोमेंट के इक्वेशन में आएगा, ठीक है। तो दोनों मोमेंट के इक्वेशन में आएगा, तो चलो दोनों को इक्वेशन मिलेंगे, लेकिन मोमेंट के इक्वेशन मिलेंगे तो आपको समीशन का रूल क्या करना है, देखो रूल आपको यूज करना है ऐसा कि क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस को आपको पॉजिटिव ले लेना है, जो भी फोर्स
जो भी फोर्स क्लॉकवाइज है ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसको पॉजिटिव ले लो, और जो भी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है उसको निगेटिव में लो। देखो यही रूल से आपको सॉल्व करना है, कंपल्सरी नहीं है, आप इसका उल्टा रूल यूज किए तो भी चलता है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया है, कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं वो मेथड आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर कह रहे हैं कि क्लॉकवाइज प्लस लो फिर आपको एग्जाम में उसी तरह से सॉल्व करना है, और अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेके पढ़ा रहे तो आपको वैसे लेके सॉल्व करना चाहिए। दोनों के थ्रू आंसर एक ही आता है, ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होता है लेकिन उससे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, फाइनल आंसर एक ही चाहता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखो। इसके पहले हमने ऑलरेडी नंबर ऑफ वीडियो जो है वो दोनों मेथड से सॉल्व करा के दिए थे, ठीक है। यहां पे चलो हम ये प्रॉब्लम अब सॉल्व करेंगे, तो हमने दोनों को चेक कर लिया है, दोनों के दोनों सेफ है, दोनों के दोनों मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। चलो यहां पे सबसे पहले 300 cos 35 को चेक करो कि वो O के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में आएगा। तो 300 cos 35 ऐसा लेफ्टवर्ड जा रहा है और वो O पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है, क्या है, ऐसा क्लॉकवाइज है। देखो मोमेंट आप O पॉइंट पे अप्लाई किए हैं तो ये दो में से ये कोई भी एक फिंगर O पॉइंट पे पुट करो और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो, ठीक है। तो अगर हमने ये फिंगर O पे यहाँ पे रख दिए और दूसरा फिंगर ऐसा, देखो इस तरह से जा रहा है फोर्स, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा, इस तरह से, ऐसा, देखो ऐसा, हम इसको स्लो में करते हैं, ये देखिए ऐसा, इस तरह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, मतलब ये ऐसा फोर्स ऐसा जा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज है, 300 cos 35 क्लॉकवाइज। तो हम यहां लिख लेंगे प्लस 300 cos ऑफ 35, ठीक है ना, इनटू O से लेके 300 cos 35 तक का डिस्टेंस, और डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिखना है, हमेशा ध्यान में रखो। हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखना, तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना, क्योंकि डिस्टेंस और फोर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। तो ये देखो ये 300 cos 35 ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए हम वर्टिकल डिस्टेंस लिख लेंगे। ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस 20 है, तो हम ये डिस्टेंस का यूज करेंगे, तो हम यहां लिख लेंगे इनटू 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 300 साइन 35 ऐसा नीचे जा रहा है, चलो चेक करो ओ के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम ये दो फिंगर में से ये जो फिंगर है ये ओ पे पुट करेंगे और ये दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो ये फिंगर हमने ओ पे यहां पे रख दिए और ये दूसरा फिंगर ऐसे फोर्स के डायरेक्शन में ऐसा घुमाएंगे। देखो ये ओ के लेफ्ट साइड से ऐसा नीचे जा रहा है ना, इस तरह से ऐसा। आपको थोड़ा सा ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन, आपको थोड़ा सा डेमो करना पड़ेगा, जब तक आप डेमो नहीं करोगे ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ये इस तरह से ऐसा, ठीक है, इस तरह से ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है ऐसा, ठीक है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है ओ के रिस्पेक्ट में तो ये निगेटिव में आएगा माइनस, तो हम यहां लिख लेंगे निगेटिव में 300 साइन ऑफ 35 इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो ये वर्टिकल फोर्स है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल लेंथ आपको लेना है यहां से लेके इतना, देखो ये लेंथ क्या है, ये है 100 mm, ठीक है ना, ये वर्टिकल फोर्स के लिए, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है ये फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इनटू 100, ये mm में दिया है तो mm में ही सॉल्व करो, यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो। कैलकुलेटर में सॉल्व करते समय एक बात का ध्यान रखना है, कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए, अगर कैलकुलेटर डिग्री मोड में नहीं है तो आंसर जो है वो 100% रॉन्ग आएगा। तो 300 cos 35 इनटू 20 माइनस 300 साइन 35 इनटू 100, तो ये आ चुका है, एमएम में है तो एमएम में ही सॉल्व करना है, तो माइनस 12292.38 इसका यूनिट रहेगा न्यूटन एमएम, ठीक है। देखो आंसर निगेटिव में है, इसका मतलब ये है कि मोमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि हमने यहां पे क्या लिया है, क्लॉकवाइज के लिए प्लस लिया है, इट मींस पॉजिटिव साइन स्टैंड्स फॉर क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव साइन स्टैंड्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज, आंसर माइनस में आया है, इसका मतलब ये जो मोमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम माइनस को यहां से हटा देंगे 12292.38 न्यूटन एमएम। देखो माइनस को हमने यहां से निकाल दिया है, लेकिन माइनस को निकालने के बाद ये कंपलसरी है ब्रैकेट में लिखना कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो जो है आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप माइनस को यहां से निकाल रहे हैं तो ये लिखना कंपलसरी है, अगर माइनस को नहीं निकाल रहे एज इट इज रख रहे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल निकाले तो ये लिखना जो है ये लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात का आप ध्यान रखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो फाइनली हमने
फर्स्ट बीट यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमें मोमेंट फाइंड आउट करना था अबाउट द फोर्स अबाउट ओरिजिन। तो ओरिजिन के अक्रॉस हो गया। चलो अब यही मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है अबाउट पॉइंट ए। सो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, तो चलो हम इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं। चलो देखते हैं मोमेंट अबाउट ए अगर करें तो क्या होता है। अबाउट पॉइंट ए, मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट ए, तो ऐसे में 300 के दो कंपोनेंट्स है, 300 cos 35, 300 sin 35। चलो देखते हैं मोमेंट यहाँ पे क्या आता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, सो नाउ समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए। ठीक है, समेशन का सिंबल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही सिंगल फोर्स है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ए ऐसा लिखो तो भी चलता है। और समेशन का रूल, क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस पॉजिटिव। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे आपने एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके अगर आपने सॉल्व किए होते, ये जो पहला बीट है, अगर ये पहला बीट अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व किए होते, तो फिर ये जो है ये टर्म माइनस में होता और ये टर्म प्लस में होता। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, और आंसर जो है फिर वो डायरेक्टली ये वाला आता है, ये जो है ना, ये जो प्लस वाला है ना, ये आता है, आंसर यही आता है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान में रखना ये बात। ठीक है, इस तरह से। तो चलो अब हम यहां पे मोमेंट जो है वो ए पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं। मोमेंट अगर आप ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग पहले चेक करो कि ए पॉइंट से क्या कोई फोर्स पास हो रहा है, क्योंकि मोमेंट का रूल है मोमेंट आपने जहां अप्लाई किया है वहां से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आपने ए पे अप्लाई किया है तो ए से पास होने वाला जो भी फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी उसका मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो देखो 300 cos 35 क्या ये ए से पास हो रहा है, देखो 300 cos 35 ऐसा जा रहा है इस तरह से, क्या वो ए से पास हो रहा है, नहीं, इट मीन्स ये सेफ है, ये मोमेंट के इक्वेशन में आएगा। 300 sin 35 ये ऐसा नीचे जा रहा है, और उसका वे ऑफ एक्शन देखो ये ए से ही जा रहा है, ये देखो ये ए से ही जा रहा है, 300 sin 35 ए से ही जा रहा है, इसका मतलब ये मोमेंट, इसका मोमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये खुद ए से जा रहा है, तो ये मोमेंट के इक्वेशन में नहीं आएगा, इसका मोमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद ए से जा रहा है, उसका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो है, इसलिए उसका मोमेंट भी जीरो है, डिस्टेंस जीरो इसलिए मोमेंट जीरो। ठीक है ना, तो सिर्फ जो है मोमेंट की इक्वेशन में एक ही फोर्स आएगा 300 cos 35 जो ऐसा लेफ्टवर्ड जा रहा है। चलो चेक कर लेंगे कि ये 300 cos 35 ये ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये ऐसा जा रहा है ना, तो ये ऐसा, ये देखिए ये ऐसा क्लॉकवाइज है। डेमो करो थोड़ा सा, ये दो फिंगर में से कोई भी एक फिंगर ए पे रखो, तो ये देखो ये फिंगर हमने ए पे रखे और ऐसा हम घुमाएंगे इस तरह से, ऐसा इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है 300 cos 35 ऐसा क्लॉकवाइज है ऐसा। ठीक है, तो हम इसको प्लस में लिखेंगे, तो यहां लिख लेंगे 300 cos ऑफ 35 क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस इनटू ए से लेके 300 cos तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है इनटू 20। बस देखते हैं इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके, 300 cos ऑफ 35 इंटू 20, तो ये आंसर आ चुका है 4914.912, इसका यूनिट न्यूटन mm। तो फाइनली, और आंसर देखो प्लस में है, इसका मतलब ये है मोमेंट जो है वो पॉजिटिव में है। तो इस तरह से फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट द ओरिजिन, तो वो ये है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट ए, तो वो ये है, प्रॉब्लम यही पे कंप्लीट हो गया। और ये जो मोमेंट है ये प्लस में है, इट मींस ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, क्योंकि क्लॉकवाइज के लिए हमने प्लस लिया है ना, इसीलिए ये क्लॉकवाइज यहां लिखना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पे ये एंटी क्लॉकवाइज लिखना कंपलसरी है, क्योंकि हमने यहां पे साइन को हटाया, साइन को हटाने की वजह से ये लिखना कंपलसरी है। यहां पे कोई साइन, यहां पे तो प्लस में ही है, साइन को हटाने की बात नहीं है, तो ये लिखो तो भी चलता, नहीं लिखो तो भी चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आया हर एक स्टेप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ ये हर एक स्टेप समझ में आई होगी। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 12। इसके पहले के 11 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।